दुनिया में अजीबो गरीब परंपराओं की कमी नहीं है और कुछ परंपराएं तो ऐसी है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लोग आज भी समाज में चली आ रही उन परंपराओं को मानते हैं जो सदियों से चली आ रही है। ऐसी एक परंपरा के बारे में आज हमको बताएंगे जहाँ महिलाएं अनजान पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और इस परंपरा को मनाने का एक कारण भी है। तो आइए जानते हैं इस परंपरा के बारे में। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हर साल एक अजीब तरह का त्यौहार मनाए थे। इस त्यौहार में पोन त्यौहार कहा जाता है। इस त्यौहार में यहाँ की औरतें अनजान शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और मान्यता है कि पोन फेस्टिवल मनाने के बाद गांव में सालों से माउंट एवा पर्वत की तादाद में पहुँचते हैं। इस पवित्र भूमि पर महिलाओं को इस तरह के घूमता कार्य करने के लिए उनकी परंपरा उन्हें मजबूर करती है। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि यदि कोई महिला किसी अनजान पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसकी मुरादें पूरी हो जाती है, साथ ही निजी जीवन में उसके परिवार को सुखिया हो जाती है। शादीशुदा महिला के पति इस बात को जानते हैं। यह परंपरा 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। यह हर दिन 35 दिन के अंतराल में जब त्यौहार आयोजित होता है तो महिला उसी पुरुष से संबंध बनाती है। इसका लगातार 7 वर्षों से चला आ रहा है। PM News 24 की रिपोर्ट।